चलो भाई, अब अल्लाह हाफिज। हमने दुकान बंद कर दी, अब हम घर जा रहे हैं। यार तो अभी बस फजर की अजान हो गई है, उठ गए। अभी जाएंगे सीधा शॉप पे, शॉप के बाद कोचिंग, कोचिंग के बाद घर आ जाएंगे। आप लोग फिंगर टाइम करने की कोशिश करेंगे, कराची के रूट दिखाएंगे। यार तो बस रेडी हो गए, जा रहे हैं। 5:20 पर नमाज है, 5:15 तो वह पहुंच गया मस्जिद। ये मस्जिद है सामने, इसकी सीढ़ियाँ हैं। बाप फटाफट जा रहे हैं क्योंकि जमात में टाइम कम रह गया, 5 मिनट रह गए सिर्फ। यार तो नमाज़ पढ़ ली है, अभी एक मसला हो गया यार, घर वाले अपने पराठे लेने थे और पैसे में गंदी हो गया, तो यार थोड़ी सी भारी हो गई। अब से फटाफट कर जाएंगे और फटाफट पैसे ले लेंगे और पराठे ले जाएंगे यार, क्योंकि भूख लग गई है भाई घर पे। और भी घर वाले उठे हैं तो उनके लिए भी ले आएंगे। भाई कुत्ता शो कर रहा है, मुझे देख क्या बोल रहा है ये तो। यार तो भाई ने पैसे ले लिए घर से, अब फटाफट जा रहा हूँ। घर वाले भूखे बैठे भी जा रहे हैं, मैं घर पे क्या उन्होंने बोला है? क्या हो गया, क्यों नहीं लेके आ रहे पराठे? तो यार ये कुत्ते बड़ा तंग कर रहे हैं यार। भाई कुत्तों का कोई भरोसा होता नहीं है भाई, काट लेना। वैसे जब कुत्ते देखे घबराना नहीं चाहिए, फटाफट और भाग लेना चाहिए यार। यार तो पराठे वही फेमस होटल से लेंगे। अगर आपने फेमस होटल की कहानी नहीं पता तो आप लोग पिछली वाली मेरी वीडियो देखेगा, मैं लिंक डाल दूंगा इसमें। सही, आपको फेमस होटल की कहानी भी एक और कुत्ता होगा बस। इधर के ये आ गया फेमस होटल, इधर के पराठे बहुत मशहूर होते हैं। अभी वो पठान नहीं, नहीं नमाज़ पढ़ने गया हुआ उधर का। पराठे वाला वो लंबे बाल हैं जिसके, अच्छा नमाज़ पढ़ो। सही, तो भाई पराठे ले लिए, बस जब रहे घर पे चाय बना दी होगी, बस चाय पी के 9 बजे तक शॉप निकल जाएंगे। शॉप मेरे को एक लड़का लेने आएगा अली, तो मेरी शॉप का सीनियर है, तो उसके साथ चले जाएंगे। मैं ये इधर कुत्तों का बहुत डर लगता है सोई सुबह का टाइम, क्योंकि सन्नाटा होता है और मैं ऐसे वीडियो बनाता हूँ यार, तो कुत्तों को पता नहीं क्या लगता है क्या यार नहीं। शायद इसने बच्चे दिए हैं, इसको पत्थर मार के भगाना ही पड़ेगा। तो भैया हम शॉप पहुंच चुके हैं, ये मेरे साथी मेरे साथ है। ये दाऊद है, यार तो अभी खाना खा लिया और ज़्यादा कुछ काम है नहीं आज, क्योंकि पहला दिन है इसके बाद। तो भैया ये दोनों खेल रहे हैं पबजी और मेरे को आता नहीं है, तो मैं ऐसी बस घूम रहा, ऐसे ही चल रहा है। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि आज गर्मी 42 टेम्परेचर है, ऐसे ही चल रहा है। तो इधर शॉप जा रहा हूँ मैं, शायद आपको आवाज़ कम आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे शोर ज़्यादा है, मैं घर जा रहे हैं। चलो भाई, अब अल्लाह हाफिज़। हमने दुकान बंद कर दी, अब हम घर जा रहे हैं, अब आपको रास्ते में दिखाएंगे। तो बस अब जा रहे हैं दिल्ली में, बाइक चला रहे हैं सेकंड टाउ फ्रंट में, अब जा रहे हैं, देखिए पूरा ट्रैफिक। ईशा का टाइम नहीं हुआ है अभी और ट्रैफिक देखे यहाँ, कराची के रोड पे ट्रैफिक बहुत है भाई। ये पावर हाउस तो पता नहीं चलता भाई, ये कौन गाड़ी कहाँ से आया, कभी मोबाइल गिर सकता है।
इसलिए देख के बनाओ यहाँ पर वीडियो भाई। तू दादा भाई सही कह रहा हूँ। हाँ भाई हमारा ड्राइवर भी तो हैवी ड्राइवर है। जब से ये बन रहा है और अभी मैं 18 का हो गया हूँ, ये बन ही रहा है जब तक। और जब मैं हो जाऊँगा ना, मेरे बच्चे भी 25 साल के हो जाएंगे, ये जब तक भी बनता ही रहेगा। ये देखे गाँव, ये हैवी ट्रैफिक, ये कौन कहाँ से आ रहा है, रोंग आ रहा है, कोई कुछ नहीं पता भाई इधर का। ये देखे हैवी ट्रैफिक कितना घूम रहा है। रात अभी इतनी रात नहीं हुई, ऐसा भी नहीं हुई है, बस क्या करें, कराची की रूट ही है। तो दाऊद भाई का घर आ गया भाई। अल्लाह हाफिज़ दाऊद भाई। तो भाई घर पहुंच गए, रस्ते में तकरीबन आधा घंटा लगा हुआ। यार अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप समझ गए वीडियो अच्छी है तो सब्सक्राइब भी कर लें यार। थैंक यू।